तो ये स्नोफॉल और मतलब स्नो आपको और ज्यादा आगे देखने को मिलेगी, जैसे 15 मार्च, 20 मार्च या 25 मार्च तक रहता है फिर तो, अगर ज्यादा बर्फ पड़ती है। अगर ज्यादा बर्फ रही गाइस तो हमारे को 15 अप्रैल तक सिद्धपुर में आपको बर्फ देखने को मिलेगी, और नारकंडा से ये आपका 7 किलोमीटर। वेलकम आप सभी का न्यू व्लॉग में। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है जल्दी भाग भाग की, और अभी हम पहुंचे हैं शिमला, और टाइम हुआ है सुबह के 10 बज चुके हैं और काफ़ी लेट हो चुके हैं हम आज के अपने सफ़र में, क्योंकि हमें निकलना था 9 बजे और अभी बज चुके हैं 10 सुबह से ही, और भागते भागते जाना पड़ रहा है क्योंकि एक तो आज मंडे है और मंडे को लगता है बहुत जाम, बहुत लंबा जाम लगता है भाई। तो मैं तो पीछे उतर गया था रेलवे स्टेशन के पास ही, और अभी हम जस्ट पहुंचे विक्टी टनल के पास। ये देखो ये है आपका विक्टी टनल, यहाँ से हम जाएंगे सीधा ही और बस स्टैंड सुखरी और नारकंडा के लिए। और भाई आपने कल का व्लॉग क्यों नहीं देखा, मेरे को तो ये समझ नहीं आया, अश्विनी खड्ड जो सोलन का स्वर्ग बोलते हैं जिसको, जिसमें सारे देवी देवता हैं हमारे उस मंदिर में, तो आपको जाके देखना चाहिए, जाके देखो आप। कल का हमारा पुराना व्लॉग है जो हमारा, उसको ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना कि आप कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। मैंने पता क्यों बनाई वो वीडियो, क्योंकि अभी हमारा 15-20 मार्च से हमारे कसौली सोलन शिमला कुफरी नारकंडा का टूर शुरू होने वाले हैं हमारे, तो अश्विनी खड्ड एक जगह बहुत फेमस है जिसे सोलन का स्वर्ग बोलते हैं, सारे देवी देवता वहीं पर हैं, और उसको भी हम कवर करेंगे, वहाँ पर भी हम टूरिस्ट को अपने ले जाएंगे, वो जगह पर हम आपको दिखाएंगे, तो आप जाके देख सकते हैं सोलन का स्वर्ग अश्विनी खड्ड कल की वीडियो हमारी जो है, जिसके साथ हम पूरी फैमिली के साथ गए थे और काफ़ी मस्ती की, तो जाके ज़रूर देखना। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं नारकंडा, और नारकंडा से हम आगे जा रहे हैं सिद्धपुर। ये आपका हाटू पीक वाला रोड है, और हाटू पीक में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है इस टाइम। हाटू पीक तो आपका ट्रैक क्लोज है क्योंकि वहाँ पर है अभी 3 से 4 फुट बर्फ़, और जो आपका ये वाला रोड है हाटू वाला वो सीधा निकल जाएगा आपका बाकी की तरफ, और तानुजूबर लेक भी आ गए। बहुत अच्छा सफ़र रहा अभी तक का। नारकंडा आपका 65 किलोमीटर दूर है आपका शिमला से, और सिद्धपुर पड़ेगा आपका 70 किलोमीटर दूर आपको शिमला से। तो अभी आप देख लो कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ है भाई अभी नारकंडा में, नारकंडा में बहुत बर्फ़ है गाइस। अभी आपको सिर्फ नारकंडा में बर्फ़ देखने को मिलेगी, कुफरी में आपको 5-6 इंच बर्फ़ है भाई, नारकंडा बहुत बर्फ़ है। नारकंडा आप आओ, नारकंडा बहुत ही अच्छी प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोग हमारे साथ कैसे घूम सकते हैं। देखो आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, अगर आप इंस्टाग्राम से कांटेक्ट नहीं हो रहा है आपसे तो आप हमें मेल करें। मैंने मेल अपनी जो मेरी मेल आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको आप देखिए चेक कीजिए, फिर मुझे मेल करें आप, और फिर आप हमारे साथ घूम सकते हैं और ऐसे बर्फ़ में आप इंजॉय कर सकते हैं। बस हम पहुँचने वाले हैं, लो जी हम पहुँच ही चुके हैं सिद्धपुर, एक अच्छी प्यारी सी जगह में। यहाँ से हम जाएंगे 4x4 गाड़ी में, ये सामने दिखाई दे रही है आपकी, ये देखो। चलो गाड़ी में चलते हैं, अभी मेरे को दूसरी फैमिली के साथ फिर जाना पड़ेगा, पहले मैं अभी ऊपर तक जा जाता हूँ, एक फैमिली छोड़ देता हूँ, उसके बाद मेरे को फिर वापस आना पड़ेगा दूसरी फैमिली लेके लेने के लिए। अच्छा आपने देखा करके गए। अच्छा यहाँ पे एक्टिविटी देखो आप, ये होती है स्लेज, और अभी हम सिद्धपुर में हैं, और सिद्धपुर में देखो कितनी बर्फ़ है, कम से कम आपको 2 से 3 फुट बर्फ़ भी देखने को मिल जाएगी अभी सिद्धपुर में, और मौसम बिल्कुल सुहाना हो रहा है एकदम ही। और अभी हमारे पास एक महाराष्ट्र की फैमिली एक और महाराष्ट्र की दूसरी फैमिली, 2 फैमिली आई है हमारे पास मुंबई से, इस तरह की होती है स्लेज, वहाँ से इसमें बिठाते ना लकड़ी की गाड़ी में और तब आते हैं नीचे, और इस पॉइंट में तो बहुत बर्फ़ है, और मैं इधर उधर ही भाग रहा था और काफ़ी देर हो गई थी ब्लॉग शूट ही नहीं किया था, बट अपने सब्सक्राइबर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं देखो। दौड़ भाग करनी पड़ रही ना, मेरे को पूछो मत, बहुत दौड़ भाग करनी पड़ रही, कभी मैं ऊपर जा रहा हूँ कभी मैं नीचे जा रहा हूँ, पता नहीं लग रहा अभी कहाँ कहाँ मैं जा रहा हूँ, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। अभी एक मैम को जिप लाइनिंग करवाई वहाँ सामने, अब वहाँ से वापस आएंगे, अब दूसरे फैमिली को नीचे लेने जा रहा हूँ उनको, जो नीचे से ऊपर आएगी।
काफी देरी हो चुकी है मेरे को यहीं पे और स्किंग पॉइंट पे, स्किंग पॉइंट नहीं ये है हमारा जिपलाइनिंग। और भाई अगर आप सिद्धपुर आते हो तो भाई से जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं फोटो के लिए भाई, सच में भाई को पांच साल से मैं यहाँ काम करूँ, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जरूर एक फोटो तो भाई से जरूर क्लिक करा सकते हैं। थैंक यू भाई। अगर आप हमारा नाम लेकर रहेंगे तो भाई को जरूर आपको डिस्काउंट देंगे, ठीक है। और ये देखो जिप लाइनिंग के पास होते हैं, बाकी हर जगह आपको मिलेंगे। वैसे क्या नाम भाई है? मेरा नाम मंजीत, मंजीत मंजीत नाम है भाई का। तो भाई के पास आप आओ और यहाँ पे एक फोटो जरूर खिंचाना। देखो एक फोटो खिंचाने में कोई मेरे को तो नहीं लगता भी ज्यादा चार्ज आपका होगा कुछ भी, एक यादगार तौर पे आप खिंचवा सकते हैं यहाँ पे फोटो, और बहुत अच्छा व्यू रहता है। जो हम फोन से खिंचाते हैं वो बात कुछ अलग है, बट अगर आप कैमरे से DSLR से खिंचवाओगे तो कुछ और बात आएगी। तो आप लोग जरूर आना यहाँ पे, जब आप यहाँ पे आओगे तो जरूर फोटो खिंचाना। और अभी बर्फ कब तक मिलेगी भाई बर्फ हमारे को? अभी ये तो 15 मार्च तक तो होगी, 15 मार्च तक तो हमारे को यहाँ पे बर्फ देखने को मिलेगी मिलेगी। और अभी बहुत बर्फ है यहाँ पे, अगर और दोबारा से लाइव स्नोफॉल होता है तो फ्रेश स्नोफॉल होता तो देखो भैया बता रहे कि अगर लाइव स्नोफॉल होता है फिर से तो ये स्नोफॉल और मतलब स्नो आपको और ज्यादा आगे देखने को मिलेगी, जैसे 15 मार्च 20 मार्च या 25 मार्च तक रहता है फिर तो, अगर ज्यादा बर्फ पड़ती है। अगर ज्यादा बर्फ रही गाइस तो हमारे को 15 अप्रैल तक सिद्धपुर में आपको बर्फ देखने को मिलेगी। और नारकंडा से ये आपका 7 किलोमीटर हाटू पीक ट्रैक भी होता है यहाँ पे, साथ में पीछे आपने देखा ही होगा। और ये सिद्धपुर जगह है, बहुत अच्छा झील भी है जो हमने पिछले ब्लॉग में बताई, बट तानुजुबर लेक भी आप वहाँ भी जा सकते हैं। और यहाँ से जिप लाइनिंग हो रही, देखो जिप लाइनिंग भी हो चुकी है। और अभी जा रहा हूँ मैं अभी यस के पास से सामने उधर वहाँ पे जहाँ पे जिप लाइनिंग का एंड है, एंडिंग पॉइंट, वहाँ से उनको लेके आना है। और उसके बाद हम जाएंगे स्लेज के पास जो आपने देखा ही था पीछे स्लेज। तो अभी तक का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा, अभी तक का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा। ये देखो आप इस तरह से जिप लाइनिंग होती है। और आप अगर नारकंडा आते हो तो आपने अगर जिप लाइनिंग नहीं की भाई तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया, आप लोग ज़रूर करना और सिद्धपुर में जरूर आप आना। और आप लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है ये भाई देखो अपना और काफ़ी अच्छे कोऑपरेट करेंगे यहाँ पे सारे के सारे लोग आपको। और निखिल भाई हिमाचल को आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुफरी शिमला नारकंडा टूर पैकेज हमारे चलते हैं और हम करवाते हैं अपने सब्सक्राइबर को, तो आप लोग ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, नहीं तो आप मेल भी हमें कर सकते हैं। मेल और इंस्टाग्राम का लिंक हमने दोनों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अभी सामने ये एंडिंग पॉइंट है आपका, ये एंडिंग पॉइंट है ना जी प्लानिंग का, तो वहाँ से आना पड़ता है आपको वापस। तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं कॉन्टैक्ट हमें, नहीं कॉन्टैक्ट होता तो आप लोग बताइए कि भैया नहीं कॉन्टैक्ट हो रहा। तो ये है हमारी मुंबई की प्यारी सी फैमिली, मैम बहुत अच्छे हैं, सर भी बहुत अच्छे हैं, और उनके दोनों लड़कियाँ वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। ये पहली बार हमारे से मिले तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और इनको हमने सारी एक्टिविटी करवाई और बर्फ़ में बहुत इन्जॉय कराया। तो आप लोग भी इसी तरह हमारे साथ इन्जॉय कर सकते हैं, आपको हमारे साथ जुड़ना होगा हमारी टीम के साथ। ये देखो सर और इनकी दोनों लड़कियाँ, सर बहुत अच्छे नेचर के हैं, भी बहुत शांत नेचर के हैं। हम पहली बार मिले तो इसी तरह से मैं बहुत सी फैमिली को घुमाता हूँ आप लोगों को। हम अगर आप लोग हमारे साथ घूमना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ कॉन्टैक्ट करिए इंस्टाग्राम के थ्रू, और बर्फ में आप इन्जॉय कर सकते हैं। ये सिद्धपुर जगह है नारकंडा से 7 किलोमीटर दूर और शिमला से 17 किलोमीटर दूर। अभी नारकंडा में आपको 2 से 3 फुट बर्फ़ देखने को ज़रूर मिलेगी। तो चलते हैं यहाँ से वापस, वापस जाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है भाई। तो 4x4 गाड़ी में हम फिर से वापस निकल पड़े हैं अपने घर के सफ़र पे, शिमला को हम वापस निकलेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी था, बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, क्योंकि दो फैमिली को हमने घुमाया है आज। देखो सामने जा रही है ना एक 4x4 गाड़ी, इस 4x4 गाड़ी में भी हम बैठे हैं, खड़े हैं हम। अब देखो कोई लोग, कई लोग बैठ के जाते हैं, कई लोग खड़े होकर जाते हैं। तो ये था छोटा सा व्लॉग आज का, आज का व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला गाइस, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बिजी था मैं हमारे सब्सक्राइबर के साथ, हमारे गेस्ट के साथ। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और नारकंडा बहुत बर्फ है, आप नारकंडा आप जाओ, उफरी में आपको बहुत कम बर्फ़ मिलेगी, नारकंडा में आपको बहुत ज़्यादा बर्फ देखने को मिलेगी। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि निखिल भाई ने वॉइस ओवर क्यों किया है वीडियो में, तो भैया टाइम बिल्कुल नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, 8 से 10 लोगों को सारी एक्टिविटी करवाना, उनके साथ घूमना बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आज इतने दिन हो गए, मेरे को थकान भी बहुत ज़्यादा है, तो जिस वजह से ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाया मैं। अभी हम जा रहे हैं नारकंडा से सिद्धपुर से वापस, अभी हम मेन नारकंडा पहुँच गए। और अभी देख लो आप कितनी बर्फ़ है। तो
तो ये बर्फ आपको 15 मार्च तक तो ऐसी देखने को मिलेगी। हाँ, अगर 2-3 दिन में फिर से फ्रेश स्नोफॉल होता है तो ये आपको 15 अप्रैल तक देखने को मिलेगा गाइस। तो आप लोग ज़रूर नारकंडा जाएं, नारकंडा बहुत कम लोग जाते हैं और नारकंडा के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। निखिल भाई हिमाचल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है, मैंने इस बार, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नारकंडा को एक्सप्लोर कर सकें और आप लोगों को बता सकें कि नारकंडा भी एक बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।